Good morning students, today we will do drawing. This video is for class 6, okay? Open your book, page number 20 and 21. Look at this picture, here is a hen. Hen hai, side mein butterflies hai, flowers hai, hai na? To aapko dekhiye kya kya de rakha hai, step dekhiye. Take a separate white sheet of a white paper, make multicolored design using a blowing technique. Blowing technique kya hoti hai, main bhi aapko batati hoon. Sabse pehle ek white paper lijiye. व्हाइट पेपर ले लिया, उसके ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहले हैंड ड्रॉ करनी है. देखिए हैंड दे रखी है, हैंड ड्रॉ कीजिए. हालांकि मैंने करके रखी है ड्राइंग, बट आपको आपकी सूटेबिलिटी के लिए मैं वापस बता रही हूं कि ऐसे आपको हैंड ड्रॉ करनी है. जैसे ऊपर हैंड दे रखी है वैसे के वैसे हैंड आपको ड्रॉ करनी है. साइड में बटरफ्लाइज को ड्रॉ करना है. हैंड ड्रॉ की, बटरफ्लाइज को ड्रॉ किया, नीचे फ्लावर्स को ड्रॉ करना है. ठीक है, ड्रॉ कर ली है ना, आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर ली. अब आपको क्या लेना है, सीजर लेना है. अब देखिए कटिंग करना स्टार्ट कीजिए. कटिंग अंदर के साइड से होगी, इसको थोड़ा सा फोल्ड कीजिए. कटिंग कहाँ होगी, अंदर के साइड से, ना कि बाहर के साइड से. कटिंग कहाँ से होगी, अंदर के साइड से. देखिए हैंड की शेप में कट करना है आपको. देखिए मैं कट कर रही हूँ, अंदर के साइड से कटिंग करनी है. मैं बार बार कह रही हूँ अंदर के साइड से कटिंग करनी है, क्योंकि बाहर से कट करोगे तो हैंड खाली पूरा का पूरा आएगा, तो आप स्प्रे किसके अंदर करोगे ना, स्प्रेइंग टेक्निक है, तो आपको अंदर की तरफ से कट करना है. देखिए देखिए मैंने कट कर ली, आपको भी ऐसे ही कट करनी है. मैंने क्या कहा, आपको अंदर की साइड से कट करनी है, तो आपको अंदर की साइड से ही कट करनी है ना. देखिए कट कर ली, कट करने के बाद इस व्हाइट पेपर पे रख ली. देखिए नीचे व्हाइट पेज है हमारा, उसके ऊपर मैंने ये रख लिया. अब आपको क्या करना है, ब्लोइंग टेक्निक. ब्लोइंग टेक्निक कैसे होगी, देखिए उसके ऊपर मैंने ये रख लिया. अब आपको क्या करना है, ब्लोइंग टेक्निक. ब्लोइंग टेक्निक कैसे होगी, देखिए ब्रश लिया, ब्रश को देखिए ऐसे आपको ब्लो करना है. क्या करना है, ब्लो करना है. क्या करना है, ब्लो. थोड़ा सा झटकना है इसको, है ना. जब ये हो जाए तो इसके बाद में क्या करना है आपको, ब्लैक पैचेस बनाने. ब्लैक पैचेस किससे बनाओगे आप, देखिए मैं किस तरह ब्लो कर रही हूं. इसके अंदर ये बाउंडेशन नहीं कि आप कोई एक सिंगल कलर ले, कोई भी कलर ले सकते हैं. कोई भी कलर ले सकते हैं. आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूं.
अब देखिए ये हो गया आपका। अब आप लेंगे ब्लैक, क्या लेंगे, ब्लैक कलर को लेंगे। देखिए ब्लैक कलर लीजिए। अब छोटे छोटे स्पॉट बना दीजिए, ब्लैक कलर से छोटे 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 स्पॉट्स बना दीजिए। देख सकते हैं हमारा जो ब्लोइंग टेक्निक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, जब ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, सूखने के बाद में आप इसकी आउटलाइन बनाओगे। ये जब सूख जाएगा तब भी इसकी आउटलाइन बनाओगे, पहले बनाओगे तो वो खराब हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको सूखने देंगे, उसके बाद में आप इसकी आउटलाइन बनाओ। यस, अब मैंने एक बार के लिए इसको हटा दिया है। अब मैं क्या बना रही हूँ, ग्रासेस बना रही हूँ। तो आपको ग्रासेस बनानी है। ब्रश से ही बनाओगे आप ग्रासेस। वाटर कलर है तो इसको सूखने में टाइम लगेगा। जब ये थोड़ा सा सूख जाए तो इसकी आप क्या बनाओगे, आउटलाइन बनाओगे। क्या बनाओगे, आउटलाइन बनाओगे। अब देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया ये। अब क्या करेंगे, मार्कर ले लीजिए, चाहे ब्लैक स्केच ले लीजिए, चाहे ब्लैक पेन ले लीजिए। उसके बाद में आप आउटलाइन को बनाते हुए देखिए। इसको आपको आउटलाइन देनी है। आप देख सकते हैं मैं इसको आउटलाइन कैसे दे रही हूं। देंगे उसके बाद में आप इसकी आउटलाइन बनाओ। यस, अब मैंने एक बार के लिए इसको हटा दिया है। अब मैं क्या बना रही हूं, ग्रासेस बना रही हूं। तो आपको ग्रासेस बनानी है। ब्रश से ही बनाओगे आप ग्रासेस। वाटर कलर है तो इसको सूखने में टाइम लगेगा। जब ये थोड़ा सा सूख जाए तो इसकी आप क्या बनाओगे, आउटलाइन बनाओगे। क्या बनाओगे, आउटलाइन बनाओगे। अब देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया ये। अब क्या करेंगे, मार्कर ले लीजिए, चाहे ब्लैक स्केच ले लीजिए, चाहे ब्लैक पेन ले लीजिए। उसके बाद में आप आउटलाइन को बनाते हुए देखिए। इसको आपको आउटलाइन देनी है। आप देख सकते हैं मैं इसको आउटलाइन कैसे दे रही हूं। गुड, आपको ऐसे ही बनाते हुए चलना है। फ्लावर की शेप देनी है अब इसको, इधर भी फ्लावर की शेप देनी है।
ये बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई की शेप देनी है इसको। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये तो काम आप लोगों को बहुत पसंद है। तो यू कैन सी द पिक्चर इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, है ना। सो यू हैव टू डू एज आई हैव डन। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास। सुंदर लग रहा है।